हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम में डिडक्शन का लेजर बनाना है, वो भी पेरोल में। कैसे बनेगा आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप पेरोल को एक्टिवेट कर लीजिए। आप 11 की प्रेस करके यहां से देख सकते हैं मैंने पेरोल को एक्टिवेट कर रखा है। आप कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूं, अगर आपने नहीं किया तो पहले आप एक्टिवेट कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें सबसे पहला काम करना है, देखिए सारे लेजर्स अगर क्रिएटेड हैं तो यहां से आप सीधा F10 प्रेस करके जा सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे देखिए F10 दिया हुआ है, तो ये F10 प्रेस करेंगे तो यहाँ अटेंडेंस आपको दिखाई पड़ेगा और यहाँ पर आ सकते हैं। अब देखिए इम्प्लॉय का नाम है रामू, ठीक है। रामू ने जो है अगर ये एब्सेंट रहे हैं, ठीक है, तो इसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। ये यहाँ पे 1 कर देता हूं तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 3 डेज हो जाएगा, तो ये 3 डेज हो गया। अब यहां पर क्या करता हूं, यहां से कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूं, ये एंट्री हो गई। अब देखिए यहां से क्या करना है, फिर वी प्रेस करना है और कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करेंगे तो आप पेरोल में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये मैं सिंगल एंट्री मोड में हूं, तो देखिए अब किस बैंक खाते से आपको पेमेंट देना है, ठीक है, वो देख लीजिए। तो यहां पे लाइक मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा से देना है, तो इसमें तो पैसा ही नहीं है तो इसको छोड़ते हैं। यहां पे आते हैं एक्सिस बैंक, इसमें पैसा है, तो यहां पे सैलरी हमें देनी है। क्या देना है, सैलरी हमें देनी है, तो किसको देनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम लाइक यहाँ पे आ रहा है एचओ, यहाँ पे करता हूँ ये हेड ऑफिस, ठीक है। हेड ऑफिस में कौन काम करता है, रामू काम करते हैं, तो इनको हमको बेसिक सैलरी देनी है, तो लाइक यहाँ पे 10,000 मैं दे देता हूँ। तो ये देखिए 10,000 मैंने दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। अब सवाल ये था कि हमको यहाँ डिडक्शन का लेजर बनाना है, डिडक्शन का, तो यहाँ पे तो अभी हमने बनाया नहीं है, तो यहीं पे आके अल्ट सी प्रेस करता हूँ और डिडक्शन का लेजर बना लेते हैं। लाइक यहाँ पे कर देता हूँ PF यानी प्रोविडेंट फंड, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज हम हमेशा रखते थे, लेकिन यहाँ पर हम रखेंगे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है, ये हो गया। और ये क्या है, ये डिडक्शन करना, ये करंट लाइबिलिटी में आता है और एंटर प्रेस करके, और यहाँ पर फ्लैट रेट रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और यहाँ पे मंथली कर देता हूँ, यहाँ पे मंथ कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे सिंपली आपको नॉर्मल राउंडिंग रखना है और यहाँ पे 3 करके एंटर प्रेस करके और इसे एक्सेप्ट कराइए। अब यहाँ पे PF कितना कट रहा है, तो 10,000 रुपये सैलरी पा रहे हैं तो मान लीजिए कि 1,000 रुपया कट जाता होगा, ठीक है, महीने का, तो ये हो गया। अब ये डिडक्शन करने के बाद आप देखेंगे नीचे अगर कोई ओवर टाइम वगैरह किया है तो वो भी दे सकते हैं। फिलहाल अभी इसको स्किप करता हूँ। यहाँ पे नीचे आएंगे तो इनकी सैलरी कट के आ चुकी है 9,000। 9,000 ये क्यों आ रही है, कारण क्या है 9,000 आने का, कि आपने 1,000 PF में काट लिया इनका, ठीक है, PF कट गया इनका 1,000, दैट्स वाई यहाँ पे 9,000 आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। अब इसको एक्सेप्ट कराता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ये सब डिटेल भर के आप एक्सेप्ट करा लीजिए।